कहानी की शुरुआत होती है मेट्रो ट्रेन से, जिसमें जेम्स नाम का गैंगस्टर फोन पर किसी से बात करता है। दूसरी तरफ कहानी की मेन कैरेक्टर यूनजो, जो कि एक अधेड़ उम्र के आदमी पर नजर रख रही होती है। तभी उस अधेड़ उम्र के आदमी का न्यूज़पेपर एक लेडी से टकराकर गायब हो जाता है। इधर जेम्स ट्रेन से निकलते हुए यूनजो से टकरा जाता है। अब ये तीनों जो एक दूसरे को नहीं जानते, ये एक ही स्टेशन पर उतरते हैं। यहाँ यूनजो उस अधेड़ उम्र के आदमी का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुँचती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक मोटे आदमी को देखते हैं। इसका नाम मैक्स था। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम एक बिल्डिंग पर जेम्स को देखते हैं, जो रेडियो के जरिए किसी से बात कर रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि जेम्स ने एक बिल्डिंग की गाड़ी के अंदर बॉम्ब रखा था, जिसको वो ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट के चलते बिल्डिंग में आग लग जाती है और तभी फायर ब्रिगेड की टीम आती है। फायर ब्रिगेड के साथ साथ यहाँ कुछ लुटेरे भी आ जाते हैं, जो बैंक में घुसकर बंदूक की नोक पर चोरी करके वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ जेम्स को पुलिस आती भी दिखाई देती है। वो फौरन से मैक्स को बताता है और मैक्स ट्रक लेकर उन पुलिस वालों के रोड को ब्लॉक कर देता है और दूसरी तरफ से भाग निकलता है। इस तरह हम जान पाते हैं कि ये लोग लुटेरे हैं जो चोरी करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है यूनजो और उस बूढ़े शख्स पर, जहाँ काफी देर के बाद वो बूढ़ा आदमी यूनजो के पास आता है और कहता है कि मैं देख रहा हूँ तुम मेरा पीछा कर रही हो। तुम कल भी मुझ पर नजर रख रहे थे और आज मेट्रो में भी, और यहाँ इस वक्त इस रेस्टोरेंट में भी। यूनजो कहती है कि ये गलत फहमी भी हो सकती है, और इतना कहकर वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। मगर वो बूढ़ा आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि बताओ मेट्रो में वो औरत मुझसे कब टकराई थी, और उससे वो और भी बहुत सारी टाइमिंग पूछता है। और यूनजो भी उसके सारे सवालों के जवाब को दे देती है। बस एक सवाल का जवाब यूनजो नहीं दे पाती, और वो ये कि वो न्यूज़पेपर कहाँ गया जो उस अधेड़ उम्र के आदमी के पास था। इस पर बूढ़ा आदमी कहता है कि हमें तुमसे और भी बेहतर की उम्मीद थी, और वो एक पेपर को वहाँ छोड़कर चला जाता है। अब यूनजो उस पेपर को स्क्रैच करती है तो उस पर लिखा होता है कि यू आर सिलेक्टेड, यानी कि ये यूनजो के लिए एक टास्क था और वो उसमें पास हो गई, और अब वो एक जासूस बन गई है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है अंधेरी रात का। वहाँ वो चोर अपना अपना हिस्सा बांट रहे होते हैं। उनमें से एक चोर कहता है कि हमने मेहनत ज्यादा की है, फिर जेम्स को ज्यादा पैसे क्यों मिले। ये सुनकर सारे चोर सुन पड़ जाते हैं, और तभी वहाँ पर जेम्स आता है और उस आदमी को पूरी तरह मार कर अपना पैसा लेकर चला जाता है। अब जेम्स एक बूढ़े आदमी के पास जाता है जो जूते बनाने का काम करता है। असल में जेम्स ने इसी बूढ़े आदमी से चोरी करने की ट्रेनिंग ली है। ये जूते बनाने वाला पहले एक चोर होता है। उसके पास एक पासपोर्ट था जिसे देने के बदले वो जेम्स से काम करवा रहा था। अब वो जेम्स को एक और टास्क देता है। उसके बाद कहानी आ जाती है उस अधेड़ उम्र के आदमी की ऑफिस पर। असल में वो आदमी सीक्रेट सर्विस का हेड होता है और उसका नाम था होंग। जहाँ यूनजो उस ऑफिस में आती है, चीफ होंग उसे सबसे मिलवाता है। यहाँ हम देखते हैं कि होंग की टीम का नाम जानवरों की तरह था, मंकी, स्लॉट, वाइपर, स्क्वायरल। अब ये लोग मैक्स, जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा था, उसकी तलाश में निकल जाते हैं। लेकिन होंग यूनजो को गाड़ी से बाहर नहीं निकलने देता, पर वो उसे थोड़ी देर के बाद टॉयलेट ब्रेक दे देता है, जहाँ यूनजो अपने आप से ही बात करती है। लेकिन वो वॉकी टॉकी को बंद करना भूल जाती है, जिससे पूरी टीम को उसकी बात सुनाई देती है और पूरी टीम हंसने लगती है। अब हमें जेम्स दिखाया जाता है, जो कि एक और चोरी करने में कामयाब हो गया था। तभी वो एक आदमी को देखता है जो सामने वाली बिल्डिंग से उसकी फोटोज ले रहा था। जेम्स फौरन उस बिल्डिंग के अंदर जाता है और उस फोटोग्राफर को मार डालता है। दूसरी तरफ हमें यूनजो दिखाई देती है, जो चीफ होंग के मना करने के बावजूद भी कुछ गुंडों के साथ मार पीट करती है। तभी वहाँ पर मिस्टर होंग आकर उसे बचा लेते हैं। इधर जेम्स शू मेकर के पास पहुँच जाता है और पासपोर्ट मांगता है, लेकिन वो आदमी उसे पासपोर्ट देने की बजाय एक और टास्क देता है। लेकिन जेम्स उसका ये काम करने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी गाड़ी में एक कॉन्ट्रैक्ट किलर आता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है, पर यहाँ जेम्स उस पर भारी पड़ता है और जेम्स उसको मार कर फिर से शू मेकर के पास जाता है और कहता है कि ये आखिरी बार है, अगर इसके बाद भी अगर तुमने पासपोर्ट नहीं दिया तो मैं तुम्हें ही मार दूंगा। और इस बात पर वो बूढ़ा आदमी हंसता है और जेम्स वहाँ से चला जाता है। वही 17 दिनों तक होंग की टीम उन चोरों की तलाश में उस जगह पर नजर रख रही थी। तभी कहानी में आता है एक ट्विस्ट। यूनजो जो कार में बैठे बैठे पक चुकी थी, वो अपना दिमाग लगाती है और मिस्टर होंग के पास आती है और एक मैप के जरिए उसे समझाती है कि अब तक मैक्स शहर के 3 एरिया में देखा जा चुका है, लेकिन ये तीनों वही इलाका है जहाँ चोरी हुई है। ये तो हम जानते हैं कि चोर कभी भी चोरी वाली जगह पर नहीं आता, यानी कि अब वो आएगा शहर के मिडल वाले पार्ट में, जहाँ चोरी हो सकती है।
ये देखकर मिस्टर होंग को खुशी होती है। वो युंजो की दिमाग की कदर करते हुए उसे भी अपनी टीम के साथ बाहर जाने की परमिशन दे देता है। अब ये लोग शहर के बीच वाले एरिया में मैक्स पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर युंजो को मिस्टर होंग एक बैग देता है जिसमें कुछ कपड़े होते हैं। नजर रखते हुए युंजो को एक मैक्स जैसा आदमी नजर आता है। जब वो अपनी टीम को बताती है तो ये कन्फर्म हो जाता है कि ये मैक्स ही है। तभी होंग युंजो से कहता है कि अपना लुक बदल लो ताकि वो तुम पर शक ना कर सके। इस पर युंजो चलते चलते ही एक कॉप से एक नॉर्मल गर्ल में बदल जाती है। तभी वो आदमी दुकान में जाता है जहाँ स्क्वायरल पीछे की तरफ जाकर उसका असली चेहरा देख लेता है और उसे पहचान लेता है। उसके बाद युंजो कुछ सिक्के भरकर मैक्स के साथ एक ही लिफ्ट में सवार हो जाती है। और जब मैक्स अपने रूम के अंदर जा रहा होता है तो युंजो अपने सिक्के गिराकर उन्हें उठाने के बहाने उसका कमरा नंबर देख लेती है। अब युंजो वहां से चली जाती है। उसके बाद स्क्वायरल आकर कई सारे कैमरा उसके घर के सामने लगा देता है। इस तरह ये लोग मैक्स पर नजर रखने लग जाते हैं। तभी एक दिन मैक्स अपने घर के बाहर ढेर सारा कचरा लाकर रख देता है। युंजो उस कचरे को लेकर उसमें से सबूतों को ढूंढने लग जाती है और यहाँ उसके साथ मिस्टर होंग भी होते हैं। तभी उन दोनों को कागज का एक टुकड़ा नजर आता है जहाँ एक साथ रखने पर उन्हें पता चलता है कि ये एक सुडोको पजल है जिसे किसी ने जानबूझकर गलत खेला है। युंजो इस बारे में पता लगाती है। अगले दिन मिस्टर होंग उस बिल्डिंग में पहुँचते हैं जहाँ जेम्स ने उस फोटोग्राफर को मारा था। घंटों तक दिमाग लगाने के बाद होंग को समझ में आ जाता है कि कोई चोरों को चोरी करते वक्त उन पर नजर रखता है और उन्हें कमांड करता है। वहीं होंग की टीम को पता चल जाता है कि पजल का रॉन्ग आंसर असल में शहर के स्टॉक मार्केट का आईपी एड्रेस था, यानी कि चोरी यहाँ होने वाली थी। इधर होंग की टीम उन चोरों के अपार्टमेंट में स्पाई कैमरा लगाकर ये पता कर लेती है कि यही वो चोर हैं जो बैंक में चोरी कर रहे हैं। चोरों की मीटिंग खत्म होते ही होंग जा ही रहा होता है, तभी उसकी नजर जेम्स पर पड़ती है और वो उस पर इतना ध्यान नहीं देता। अब जेम्स सामने वाली बिल्डिंग पर जाता है और पुलिस को देखकर अपने लोगों से कहता है कि वापस आ जाओ, हम चोरी नहीं कर सकेंगे। इतना कहकर वो बिल्डिंग से नीचे उतरने लगता है, पर होंग उसी बिल्डिंग के ऊपर जा रहा था और ये बात जेम्स को पता चल जाती है। वो किसी भी तरह कूदकर वहां से भाग निकलता है। इधर चोरों और पुलिस के दरमियान चोर पुलिस का खेल होने लगता है और एक लंबी चेजिंग के बाद आखिरकार वो बाकी के चोर पकड़े जाते हैं। वहीं होंग और युंजो जेम्स को ढूंढते हुए एक ब्रिज के पास आते हैं, लेकिन यहाँ जेम्स को ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल काम था क्योंकि अब तक ये लोग जेम्स को पहचाने नहीं थे। इसलिए होंग अपने टीम से जेम्स को फोन करने को कहता है। असल में ये लोग सैटेलाइट के जरिए जेम्स का नंबर ढूंढ लेते हैं। अब एजेंसी के कॉल करने पर जेम्स फोन उठाता है। उसके साथ ही साथ तीन और लोग भी फोन पर बात करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि इनमें से जेम्स कौन है। लेकिन जेम्स को ये समझ में आ गया था कि ये उसे फांसने की चाल है, इसलिए वो फोन को बंद करके फोन पर बात करने का नाटक करते हुए होंग के सामने से निकलने की कोशिश करता है। तभी होंग की नजर उस पर पड़ती है और उसे याद आता है कि यही वो बंदा था जो शेयर मार्केट वाली जगह पर था और अब ये यहाँ भी है, यानी कि यही हमारा असली शिकार है। होंग जेम्स का पीछा करने लगता है। वहीं जेम्स भागता हुआ मेन रोड पर आ जाता है जहाँ स्क्वायरल ट्रैफिक पुलिस के कपड़ों में उससे आईडी प्रूफ मांगता है। दूसरी तरफ युंजो देख रही होती है, तभी उसको कुछ गड़बड़ नजर आती है और जब वो स्क्वायरल के पास जाती है तो देखती है कि जेम्स ने किसी नुकीली चीज से उसकी गर्दन पर वार किया है। मिस्टर होंग और युंजो स्क्वायरल को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन स्क्वायरल को बचा नहीं पाते। इधर जेम्स शूमेकर को मारकर पासपोर्ट ले लेता है। कुछ दिन के बाद युंजो अपने घर पर होती है और तभी उसे अपना पहला दिन याद आता है। जब वो ट्रेन में थी तब उसे याद आता है कि ट्रेन में एक आदमी उससे टकराया था और वो जेम्स ही था और उसके हाथ में एक पोस्टर होता है, मतलब वो भी किसी सुपरमार्केट का रेगुलर कस्टमर होता है। इसलिए वो समझ जाती है कि आज संडे यानी कि रविवार है, जेम्स आज मार्केट में जरूर आएगा। और अब युंजो भी उस मार्केट में पहुंच जाती है। तभी उसे जेम्स जैसा दिखने वाला एक आदमी दिखाई देता है। युंजो होंग को पूरी बात बता देती है। इतने में जेम्स मार्केट में जाता है। वो उसके पीछे पीछे मार्केट में चली जाती है। तभी जेम्स उसके पास आता है और कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। युंजो कुछ कहती उससे पहले ही होंग वहाँ आ जाते हैं और जेम्स वहाँ से उठकर चले जाता है। अब युंजो देखती है कि जेम्स टेबल पर रखा हुआ चाकू लेकर गया है। वही मिस्टर होंग जेम्स का पीछा करते हुए उसके पीछे चले जाते हैं। युंजो वहाँ जाती है और देखती है कि जेम्स ने होंग को चाकू मारकर घायल कर दिया है। लेकिन होंग के कहने पर युंजो जेम्स के पीछे चली जाती है, पर तेज बारिश की वजह से वो उसे देख नहीं पाती। लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है वो उसे देख लेती है। इधर एजेंसी के लोगों ने होंग को बचा लिया था
और अब वो सब के सब यूंजो पर सैटेलाइट के जरिए नजर रखते हैं, लेकिन कुछ देर बाद सैटेलाइट का सिग्नल भी डेड हो जाता है। सिग्नल के डेड होते ही होंग दिमाग लगाता है। उसे समझ में आ जाता है कि शहर का बाउंड्री वाला एरिया ही वो एरिया है जहां इस वक्त सैटेलाइट का सिग्नल डेड है। अब ये लोग उस जगह के लिए निकल जाते हैं। यहाँ यूंजो अकेली होती है। वहाँ जेम्स आकर उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन एजेंसी के भेजे गए पुलिस वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। अब यूंजो किसी भी तरह जेम्स के चुंगल से आजाद हो जाती है, लेकिन खुद को फंसता देख जेम्स ट्रेन के उस पार कूदकर भागने लगता है। तभी सामने से मिस्टर होंग आकर उसे शूट करते हुए स्क्वायरल की मौत का बदला ले लेते हैं। अब कहानी के आखिर में स्क्वायरल का फ्यूनरल होता है। कुछ वक्त के बाद यूंजो एक आदमी से टकराती है। होंग को फोन करती है कि ये वही है। अब ये कौन है? दरअसल ये जेम्स का दोस्त होता है जिसके बारे में ये लोग पता लगा रहे हैं। और इसी तरह ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।